हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मार्कर जैसा स्पाइसी मिक्सचर। पहले लेंगे एक कप चना दाल। चना दाल में पानी डाल के भिगो देंगे 30 से 40 मिनट के लिए। अब एक परात लेंगे, उसमें डालेंगे 4 कप बेसन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बेसन में ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून अजवाइन। मैंने यहाँ पर 4 कप बेसन के लिए 5 चम्मच ऑयल ऐड किया है। मैंने 1 कप पानी में 1 चुटकी पापड़ खर डाला है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो रेडी कर लेंगे। डो ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। डो को थोड़ा सा फेंट लेंगे। डो हमारा रेडी है। चना दाल को भिगो हुए 30 से 40 मिनट हो गया है। अब चना दाल को छान लेंगे, एक कॉटन कपड़ा के ऊपर डाल लेंगे। कॉटन कपड़ा से थोड़ा थोड़ा दाल को पोंछ लेंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। अब 10 मिनट के लिए दाल को ऐसे सुखा लेंगे। अब एक सेव बनाने वाला मशीन लेंगे, इसमें डालेंगे बारीक सेव वाला प्लेट। ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। अब इसके अंदर बेसन का डो भर लेंगे। डो भर लिया है, अब मशीन को बंद कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। सेव मेकर को प्रेस करते जाएंगे और हाथ को गोल गोल घुमाते जाएंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। सेव एक साइड हमारा फ्राई हो गया है, अब पलट देंगे। सेव दोनों साइड फ्राई हो गया, अब निकाल लेंगे। अब थोड़ी सी मोटी वाली सेव की प्लेट डालेंगे। इसी तरह मोटी वाली सेव को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम पापड़ी बनाएंगे। अब पापड़ी वाली प्लेट डालेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। डो में बेसन 2-3 चम्मच ऐड करेंगे। डो को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। इस गाढ़े डो से हम पापड़ी बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। पापड़ी हमारा एक साइड हो गया है, अब पलट देंगे। 2-3 बार पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो निकाल लेंगे। अब गांठिया का प्लेट डालेंगे। अब तेल में गांठिया को भी फ्राई कर लेंगे। गांठिया एक साइड फ्राई हो गया है, अब पलट देंगे। गांठिया को भी दोनों साइड अच्छे से फ्राई करेंगे। अब सोख किया हुआ चना दाल को फ्राई कर लेंगे। चना दाल को अच्छे से फ्राई करेंगे, बीच बीच में कच्ची को चलाते जाएंगे। जब ऑयल में बबल्स आना बंद हो जाएगा तब समझिएगा कि चना दाल हो गया है। चना दाल हमारा फ्राई हो गया है, अब निकाल लेंगे। गैस के फ्लेम को थोड़ा सा बंद कर लेंगे ताकि चना दाल जले नहीं और चना दाल को निकालने में आसानी हो। अब मूंगफली को भी फ्राई कर लेंगे। मूंगफली फ्राई हो गया है, अब निकाल लेंगे। अब सूखा नारियल को भी फ्राई कर लेंगे।
अब काजू को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3-4 चम्मच किशमिश लिया है, उसे भी फ्राई कर लेंगे। अब मिक्सचर के लिए मसाला रेडी करेंगे। पहले लेंगे 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, मिर्ची पाउडर 1.5 चम्मच। सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब सारे सेव पापड़ी गांठिया को तोड़ लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी हुआ है। फ्राई किया हुआ चना दाल, मूंगफली और ड्राई फ्रूट को अब इसमें ऐड कर लेंगे। हाथ से सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे मिक्सचर मसाला। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से मिर्ची पाउडर डालिएगा। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी है, घर में एक बार जरूर बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।